आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपका नाम आइज है या आपके किसी जानने वाले का नाम आइज है तो इस वीडियो में आइज नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। आइज किस ज़ुबान का लफ्ज है या आइज किस भाषा का शब्द है? आइज के माने क्या है? आइज नाम का मतलब और अर्थ क्या होता है? आइज में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? आइज इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आइज हिंदी में कैसे लिखा जाता है? आइज उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? आइज उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होने वाला है, तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आइज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आइज के माने और आइज नाम का मतलब है पनाह मांगने वाला, शरण चाहने वाला, पनाह लेने वाला, सुरक्षा हासिल करने वाला, अल्लाह से पनाह मांगने वाला। आइज में चार हरूफ हैं, ऐन, अलिफ, हमज़ा, ज़ाल। ये इंग्लिश में आइज लिखा हुआ है, ये हिंदी में आइज लिखा हुआ है। आइज उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें आइज लिखना है तो सबसे पहले ऐन को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद हमसा को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दाल को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह आइज लिखा हुआ आ जाएगा। आइज लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन चार बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर तीन, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर चार, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में आइज लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर एक, ऐन। नंबर दो, अलिफ। नंबर तीन, हमसा। नंबर चार, दाल। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए।
ये जो लाइन देख रहे हैं उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं, जैसे ऐन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, अलिफ़ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, हमज़ा ये लाइन पर ही लिखते हैं, दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ़ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं, जैसे ऐन इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, अलिफ फुल लिखते हैं, हमज़ा की शक्ल थोड़ी इस तरह से बदल जाएगी और इस तरह से लिखते हैं, ज़ाल इस तरह से लिखते हैं। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा हमज़ा, और ये क्या लिखा ज़ाल। तो ये क्या हो गया आइस, हमज़ा के नीचे शेर लगा देंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।